हाय गैस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं MX100S का वीडियो ट्यूटोरियल। तो हमारे पास MX100S डिवाइस आती है, जिसके साथ ये एक मेन डिवाइस रहता है और ये दो सेटेलाइट डिवाइस रहता है। इसके साथ हमको दो वायर मिलता है, ये MX100 का मेन डिवाइस से छोटे वाले डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस पे मिलेगा, यहाँ से ये वायर। और ये दूसरा वायर है जो दूसरे सेटेलाइट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही हमें एक एडाप्टर आता है जो MX100 को पावर के सप्लाई के लिए काम आता है। तो हम लोग देखते हैं पहले इसमें कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो इसमें देखिए, तीन VGI पोर्ट दिख रहे हैं हमें। बीच वाले जो VGI पोर्ट है, ये मेन MX100 के लिए रहता है, और ये राइट सेटेलाइट डिवाइस के लिए, लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट सेटेलाइट डिवाइस के लिए पोर्ट रहता है। और इसके साथ यहाँ पे देखिए, आपको दो USB पोर्ट आ रहा है, जो कि आपको मेन सर्वर, जो मेन जो डिवाइस रहेगा इसका MX100 का, उस पर ये कनेक्ट होगा। ये पावर केबल है जिससे आप एडाप्टर कनेक्ट करोगे, और इसके साथ आपको एक लैन पोर्ट आएगा जिस पे कि आपको लैन लगाना रहता है। सामने साइड में आप देखोगे तो आपको एक बिजी पोर्ट मिल सामने साइड में देखोगे तो इसका एक USB पोर्ट आएगा और दो जैक पिन आएगा। USB पोर्ट में आप थर्ड पार्टी एक ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, USB ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हो इस पर। और सेटेलाइट डिवाइस में देखूंगा तो इस पर देखिए एक पावर केबल आता है, जो कि ये पावर केबल कनेक्ट होगी इस पर। और इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, ये इसका राइट साइड पे कनेक्ट रहेगा। ये लेफ्ट साइड पे भी एक USB पोर्ट दे रखा है, जो कि लेफ्ट सेटेलाइट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ आएगा। और इस पर एक दो पोर्ट USB पोर्ट दे रखा है, एक दिया है इस पर आपका कीबोर्ड के लिए और दूसरा है माउस के लिए। तो ये सेटेलाइट डिवाइस पे ये दो स्विच रहेंगी आपकी, और ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सर्वर है। सर्वर सिस्टम पे हम लोग ये CPU रखे हैं, और ये सर्वर सिस्टम का माउस है, और यहाँ पे हमने अपना MX100 डिवाइस कनेक्ट कर रखा है और डिवाइस को स्विच ऑन किया है। आइए देखते हैं इसका सेटिंग कैसे किया है हमने। इस पर देखिए, इसका जो मेन पोर्ट है, मेन CPU का पोर्ट, ये जो मेन है आपका USB पोर्ट, इससे हमने ये मॉनिटर को कनेक्ट कर रखा है। और दूसरा जो है राइट साइड वाले जो है, इससे हमने लेफ़्ट साइड जो है उससे हमने लेफ़्ट साइड वाले को कनेक्ट कर रखा है, और जो राइट है उससे राइट को कनेक्ट कर रखा है। पीछे में दो USB पोर्ट जो दे रखा था, उससे मैंने ये इसको कीबोर्ड और ये माउस कनेक्ट कर रखा है इसका। और इस साइड में देखिए, इस पे दो USB जो पोर्ट है, इससे हमने इसका कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर रखा है। इस पे जो एक लैन पोर्ट दे रखा था सर, उस पर मैंने लैन को कनेक्ट किया है, और ये लैन वायर जो है हमारे CPU पे गया है CPU को कनेक्ट करने के लिए। और इसका इंस्टॉलेशन अभी कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो ये हमारा CPU है, इसमें हम लोग लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन जो आप करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे लॉगिन करना है आपको। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे आप लॉगिन कर लेते हो, एक बार जब लॉगिन हो जाए उसके बाद से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रहता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए दो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मेरे पास ये विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास ये विंडोज़ 10 कौन सा है, इसे आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप विंडोज़ देखे जाओ तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये माई कंप्यूटर में राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, आपको यहाँ पे दिखेगा विंडोज़ 10 प्रो। तो आपको दो ही एडिशन में ये इंस्टॉल होगा, विंडोज़ 10 प्रो या फिर विंडोज़ 10 एंटरप्राइज एडिशन रहना है आपके पास। और ये 64 बिट रहना है, तो ये मैंडेटरी फील्ड है 64 बिट। ये अगर 32 बिट का रहता है तो आपको इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो आपको 64 बिट विंडोज़ 10 प्रो या फिर विंडोज़ 10 एंटरप्राइज 64 बिट आपके सिस्टम पर रहना है। तो हमारे पास प्रो है, तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस पर। तो आइए चलते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आपके पास इंस्टॉलेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर का ज़रूरी है कि नहीं है, तो सॉफ्टवेयर को आपको लेने के लिए दो ही ऑप्शंस रहता है आपके पास, एक CD ड्राइव और दूसरा है हमारे वेबसाइट से। तो हमारे वेबसाइट से आपको सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम में जाके आप हमारे वेबसाइट को क्लिक कीजिए, ncomputing.com। अगर आप ncomputing.com में जाते हो तो आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड। ओके, ncomputing.com में जैसे ही आप आते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, सपोर्ट। आपको सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद से उसके अंदर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेंटर, सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेंटर में आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए, लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आई वांट टू क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप एक अकाउंट बना लीजिएगा, जैसे आप जीमेल, याहू या अदर वेबसाइट पे बनाते हो। और उसका वेरिफिकेशन कोड जो होगा वो आपके मेल पर आएगा, और वहाँ से आप वेरीफाई कर लोगे अपने ईमेल आईडी को। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लिया है मैंने ये अपना मेल आईडी से।
जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको दो ऑप्शंस आएगा, प्रोडक्ट मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल सेलेक्ट करोगे, आपका जो मॉडल है मेरा MX100S हम लोग चेक कर रहे हैं तो MX100S देखेंगे यहाँ पे। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हो। आपको विंडोज़ 10 पे यूज़ करना है हमें, तो विंडोज़ 10 सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई जैसे करोगे तो आपको नीचे में देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, जो लेटेस्ट वर्जन है इसका उसे आप डाउनलोड में बैठा सकते हैं। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया और जैसे ही डाउनलोड हो जाती है हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। ये फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे देखिए। आप ये विनरेयर के फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है तो हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। मैं एक्सट्रैक्ट हियर क्लिक करता हूँ और ये फाइल हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है हम उसे चेक कर लेंगे। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें, ये सारे फाइल रहती है इस पर इंस्टॉल करने के लिए। हमें जो ये करना है, जो EXE MSI फाइल है उसे इंस्टॉल करना रहता है। इसे इंस्टॉल करने के पहले हमें दो चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती है, आपके सिस्टम में एंटीवायरस है कि नहीं है, और अगर एंटीवायरस है तो उसे डिजेबल कर दीजिएगा और विंडोज़ फायरवॉल ऑफ़ कर दीजिएगा। और मेरे सिस्टम में जैसे कि आप देख रहे हैं कोई एंटीवायरस नहीं है मेरे सिस्टम में, तो विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ़ करते हैं। विंडोज़ फायरवॉल ऑफ़ करने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ से कैटेगरी को आप चेंज कर लीजिए, स्मॉल पे कर लीजिए या लार्ज पे कर लीजिए, ताकि आपको दिख पाए विंडोज़ फायरवॉल। और विंडोज़ फायरवॉल को आप क्लिक कीजिए, एडवांस सेटिंग पे जाइए। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको एक न्यू विंडो ओपन होगा जिस पर कि ये सेटिंग बता रही होगी। इस पर आपको विंडोज़ फायरवॉल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। विंडोज़ फायरवॉल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद डोमेन का आप विंडोज़ फायरवॉल ऑफ़ कर दीजिए, प्राइवेट का ऑफ़ कर दीजिए और पब्लिक का भी ऑफ़ कर दीजिए। तो ये मेरा डोमेन ऑफ है, प्राइवेट ऑफ है और पब्लिक का मैंने ऑफ़ कर दिया। अप्लाई, ओके। ये करने के बाद से आपको एनकंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रहेगा। एनकंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो एनकंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट एक्सप्रेस सेटिंग को क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, लाइसेंस का जो है उसे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। आपको रीस्टार्ट पूछेगा यहाँ पे सिस्टम। रीस्टार्ट आप फिनिश करके कर देना है, ये फील्ड भी मैंडेटरी है। अगर आप टिक मार्क नहीं करके आप रीस्टार्ट नहीं करते हो तो आपका डिवाइस कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आएगी जब तक आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होगा। तो आप फिनिश करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए। ओके, रीस्टार्ट हो गया है हमारा सिस्टम। पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए अपने सिस्टम पे। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक VSpace मैनेजर और VSpace कंसोल का ऑप्शन आपके डेस्कटॉप में आ गया होगा। आपको सबसे पहले आपका VSpace मैनेजर पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है उस पर। VSpace मैनेजर को आपका ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक किया है। क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में है तो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है। आप क्रिएट अकाउंट में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे आपको फिल करने के लिए, और आप इसे फिल करके आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपका क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा इसके लिए नहीं लगेगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में क्लिक करना है आपको। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं उसे एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन होता है आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा ये विंडो। देखिए हमारा IP यहाँ पे दिख रहा है, डिवाइस का स्टेटस ऑनलाइन है, और यहाँ पे हमारा VSpace मैनेजर और VSpace कंसोल जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन VSpace कंसोल करना है। VSpace कंसोल करते ही देखिए आपको यहाँ पे वन सर्वर कनेक्टेड दिखा रहा है, और डिवाइस मैनेजर पर आप देखोगे तो डिवाइस जीरो डिवाइस दिखा रहा है अभी, ताकि क्योंकि हमारा डिवाइस पर अभी कॉन्फिगर नहीं किया है। चलिए वो करते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइस कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें IP देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपको नेटवर्क दिख रहा है। इसमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाइए, इथरनेट कनेक्शन पे जाइए। इथरनेट कनेक्शन को जाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए आपके पास कितना इथरनेट कनेक्शन है। चेंज एडाप्टर सेटिंग में क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए हमारे सिस्टम में दो इथरनेट है तो दो दिख रहा है, और मुझे जिस पे एन कंप्यूटिंग लगाया है उस पर करना है। इथरनेट कनेक्शन पे देखिए आइडेंटिफाइंग मोड पे है, इसे हम डबल क्लिक करते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज़ में जाइए उसका राइट क्लिक करके, और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPTCP IPv4 पे क्लिक कीजिए। उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप एक स्टैटिक आईपी दे दीजिए। तो यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस डालिए और यहाँ पे आप आईपी दीजिए। मैंने यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ 192.168.1.10 दे देते हैं। सबनेट है इसका 255.255.255.0 जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे दे सकते हैं आप। मैंने 192.168.1.1 दिया। DNS का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओके कर दीजिए इसे और क्लोज़ कर दीजिए। आईपी हमने दे दिया है, अब इसे मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करके यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करना रहेगा और मैनेज पे जाना रहेगा। आप मैनेज पे जाएंगे, आपको एक विंडो ओपन होगा, लोकल यूज़र एंड ग्रुप, उसके अंदर पे आप यूज़र्स पे चले जाइए। देखिए मैंने यूज़र्स ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू यूज़र्स पे क्रिएट कीजिए। USER यूज़र 4 मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इसका पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ये टिक मार्क आपको निकाल देना है, यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड इन नेक्स्ट लॉगिन पे, पासवर्ड नेवर एक्सपायर में टिक कर दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका यूज़र 4 क्रिएट हो गया है और आप अभी ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे ग्रुप में आने के बाद रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, इस पे आपने ऑलरेडी मैंने यूज़र 1, 2, 3 ऐड कर रखा है। अभी यूज़र 4 ऐड करना है। ऐड एडवांस फाइंड नाउ, आप देखेंगे नीचे में तो आपका यूज़र्स आ गया रहेगा, यूज़र 4 मेरा आ गया है। ओके कर देते हैं। ओके अप्लाई, आपको देखिए यहाँ यूज़र 4 दिखना शुरू हो गया और इसे ओके करके क्लोज़ कर दीजिए विंडो। सर्वर का सेटिंग बस इतना ही है। मैंने डिवाइस को ऑन किया है, अभी ऑन करते ही देखिए इसमें एनकंप्यूटिंग का लोगो आ रहा है और दोनों दो मॉनिटर पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, जो मेन मॉनिटर है उस पे ही सिर्फ दिखेगा। उस पे देखिए चेक सिग्नल कनेक्शन दिखा रहा है, इस पे भी चेक सिग्नल। और जो मेन वाले डिवाइस है, ये नीचे में जो डिवाइस है इसके जो मॉनिटर पे जो कनेक्टेड है उसी पे सिर्फ आपको सेटिंग दिखेगी। ये देखिए सेटिंग, ये जो बीच वाले डिवाइस है इस पे ऑन हो रहा है और इसका सेटिंग आपको दिख रहा है। ये इनिशियलाइजिंग एंड कनेक्टिंग टू द नेटवर्क दिखा रहा है आपको और उसके बाद आपको सर्वर का नेम दिखेगा अगर सेटिंग आपका सही है तो। जैसे ही डिवाइस सेटअप आपका आ जाएगा, देखिए आपको इसमें चार ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएगा, कनेक्ट, रिफ्रेश, डिवाइस सेटअप और डिवाइस इन्फॉर्मेशन। आप रिफ्रेश करके देखिए आपको सर्वर का नाम दिख रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे नो नेटवर्क फाउंड दिखा रहा है, अवेलेबल कनेक्शन में कोई नेटवर्क यहाँ नहीं दिख रहा है आपको। आपको करने के लिए डिवाइस सेटअप में क्लिक करना है। कनेक्शन सेटिंग आपको दिख रहा है, कनेक्शन सेटिंग में आपको मैनुअल कनेक्शन में टिक करना है, क्लिक करना है। ये ऑटो कनेक्शन, ये मैनुअल कनेक्शन। मैनुअल पे करते ही नीचे तीन ऑप्शंस आपको इनेबल हो जाएगा। इस पे पहला ऑप्शंस और दूसरा ऑप्शंस ऑटो रिस्कवर कनेक्शन और मैनुअल आईपी होस्ट नेम आपको क्लिक करना है। ग्रुप लिस्ट में टिक मार्क नहीं रहने से भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेज ग्रुप में आ जाइए। मैनेज ग्रुप में आने के बाद से आपको अवेलेबल सर्वर का नाम दिखेगा अगर कोई सर्वर आपका कनेक्टेड है तो। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। लॉगिन सेटिंग पे आइए। लॉगिन सेटिंग पे देखिए स्लिप मोड का ऑप्शंस दिख रहा है। आपका सिस्टम जितने देर आइडियल रहेगा उसके बाद स्लिप मोड में चला जाने के लिए आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम 10 मिनट्स कर देते हैं इसे। USB ऑटो रिडायरेक्ट्स का ऑप्शन है इसमें, इसे आप क्लिक करके रखोगे तो आपका USB यूज़ होगा। टिक मार्क निकाल देते हो तो आप USB यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप, मैंने इसे टिक कर रखा है ताकि मुझे USB यूज़ करना है। वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, इसे मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, 1000 डिफ़ॉल्ट रखा है इसे मैंने वीडियो रेजोल्यूशन। नेटवर्क पे आ जाइए। नेटवर्क पे आपको स्टैटिक आईपी देना है। मैंने जो स्टैटिक सर्वर पे दिया है 192.168.1.10 दिया है तो इस पे मैंने 11 कर देते हैं। सबनेट मार्क्स वही है, डिफ़ॉल्ट गेटवे वही है, DNS का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। पासवर्ड आप अगर ना सेटअप को कॉन्फ़िगर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, कोई और बंदा चेंज ना कर पाए ऐसा चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए ताकि आपको ही एक्सेस हो ये डिवाइस सेटअप का। अपडेट में आके आप फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, फ़िलहाल उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि ऑलरेडी ये किया हुआ है। नेटवर्क पे आके हम अप्लाई करेंगे, नेटवर्क चेंज होगा और आपका जो आपने जो सेटिंग चेंज किया है वो सेव हो जाएगा आपका। ओके क्लिक करने के बाद सिस्टम डिवाइस आपका रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद से आप डिवाइस रीस्टार्ट हो रहा है हमारा। इनिशियलाइजिंग एंड कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, देखिए सिस्टम मेरा आपका स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मुझे सर्वर का नाम दिखना शुरू हो गया है, मेरा सर्वर का नाम। अगर आपका नाम नहीं दिखता आप रिफ्रेश बटन में क्लिक करोगे, रिफ्रेश करने के बाद ये स्कैन होगा लोकल सर्वर और आपका सर्वर का नाम दिखना शुरू हो जाएगा।
आपको अभी कनेक्ट करना है डिवाइस को। कनेक्ट में क्लिक कीजिए, F5 का ऑप्शन पूछेगा, आप F5 दाब सकते हैं या ओके भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपका रिस्ट डिवाइस कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। डिवाइस कनेक्ट हो गया है, प्रेस एनी की टू स्टार्ट बोल रहा है, मैंने इंटर दाबा, ट्राइंग टू कनेक्ट, और ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है। आपको प्रेस एनी की टू स्टार्ट दिखा रहा है, इस पर भी मैंने अगर इंटर करता हूँ तो मेरा स्टार्ट हो जाता है कनेक्शन। और यहाँ पे भी देखिए प्रेस एनी की टू स्टार्ट, इसे मैंने क्लिक किया और ये कनेक्ट हो जाए कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग यूज़र्स पे लॉगिन करते हैं, यूज़र वन पे लॉगिन करेंगे, इस पर 1 2 पासवर्ड जो है आपका वो डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के साथ ही लॉगिन हो गया। दूसरे डिवाइस पे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे यूज़र टू पे हम लोग लॉगिन करते हैं, इस पर पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड डालते ही लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज़र थ्री पे ये लॉगिन कर लेते हैं, तो जितने यूज़र्स हैं आपके पास वो सारे यूज़र्स को आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए अब तीनों यूज़र लॉगिन हो गया है और यहाँ सर्वर भी कनेक्टेड है आपका। अब यहाँ से देखिए एक सर्वर और तीन यूज़र आप लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है, तीन स्टेप रहता है इस पे। पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको फायरवॉल या एंटीवायरस को डिसेबल कर देना रहता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप आईपी डाल देंगे। दूसरा स्टेप आईपी डाल देने के बाद से तीसरा स्टेप डिवाइस का डिवाइस सेटअप में जाके कनेक्शन कर देंगे। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना रहता है। यह है हमारा MX100 का सेटिंग सर। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे।